बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट यासीन जमान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं आपको ऐसी कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हों किसी भी प्रोजेक्ट के, दो पॉइंट दिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास 500 मीटर के दो पॉइंट दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, लेकिन हम उसके जो दरमियान वाले कोऑर्डिनेट हैं वो खुद निकालना चाहते हैं, या हमें यानी उस कैसे हम निकाल सकते हैं, उस बारे में आपको बताना जा रहा हूँ कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें दो पॉइंट हैं, ये हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर हम इसके दरमियान वाले कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए, और हम निकालना भी ये चाहते हैं कि 20-20 मीटर या 10-10 मीटर पर या 5-5 मीटर पर निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एपी की कमांड देंगे, इसमें जो है स्कोप जो है हमारे पास है वो अपलोड करेंगे, इसके अंदर एपी की कमांड देंगे। सबसे पहले में ये कोप लिखा हुआ है, इसको लोड कर देंगे। इसके बाद ये क्लोज का बटन है, क्लोज में जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एमई की कमांड से, क्योंकि आपने मेजर करना है कि आपने आपको 10 मीटर पर चाहिए, 5 मीटर पर चाहिए, तो आप उसके कोऑर्डिनेटर निकाल सकते हैं। एमई के बाद जब लिखा तो नीचे लिखा आ रहा है कि सिलेक्ट तो ऑब्जेक्ट मैयर, यानी कि जो जिसको आप मैयर करने आते हैं उसको आप सिलेक्ट करें। फर्ज करें ये हमारे पास लाइन है, इसके बाद देखें ये 00 ये लिखा हुआ आ रहा है, नज़र आपको आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस देना है, आपको कितने यानी कितने ऑफसेट पर, आपको कितने डिस्टेंस पर आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप यानी कि क्या लिखेंगे इसमें। फर्ज करें हम 5-5 दे देते हैं या 10-10 दे देते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। फर्ज करें आपको 10-10 मीटर पर जो है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, आप 10 पर इंटर कर देंगे। ये देखें हमारे पास जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है इसके पॉइंट लग गए हैं। इसके बाद हर पॉइंट के ऊपर आप ये जो हमारे पास पॉइंट तो लग गए, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट कैसे शो करेंगे वो आप, आपको पता है पहले, इसलिए हमने एपी की कमांड से इसलिए अपलोड को कोप की कमांड जो है वो दे दी थी इसी वजह से, क्योंकि बाद में इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे हमने। अभी क्या करेंगे, दोबारा रिप्लाई करेंगे, कोप की COP लिखेंगे, ये ऊपर लिखा आ रहेगा, कोप की कमांड इस इंटर करेंगे। इसके बाद जहां पर आपको चाहिए, अगर आपको देखें इधर आप शो अगर ना कर रहा हो तो आपके क्या करना है, F3 इंटर करना है, इसके बाद सिलेक्ट ऑल कर देना है, ओके। इसके बाद जो है आपको इनके मेंशन करेगा जहां पर इसकी सेंटर लाइन होगी हर दायरे की, तो वहां पर आप जिस जिस जगह पर चाहिए उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरह आप देखें, इस तरह आप जहां पर भी आप चाहिए दोबारा ये इनके रिपीट करते जाने, आपने ये इसके कोऑर्डिनेट आते जाएंगे, इंटर। ये देखें आपके पास से ये कोऑर्डिनेट इसके आगे हैं, इसके बाद आप इसकी स्टेशन वगैरह कर सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास 0 है, इसके बाद ये यानी कि आपने 10-10 पर दिया था, ये 10 है, 20 है, यानी आप इसमें टेक्स्ट में जाकर इसमें लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों किसी भी प्रोजेक्ट के, उसके अंदर आपने दूसरे जो है कोऑर्डिनेट निकालने हों तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यानी कि आपके पास स्कोप की कमांड भी होनी चाहिए, यानी कि लिस्प होनी चाहिए, जिसको आपको कहते हैं लिस्प होनी चाहिए। इसके बाद लिस्प अपलोड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, मैयर की कमांड से आपको इसके पॉइंट आप इसके पॉइंट लगा लेंगे, फिर लिस्प भी जो आपने अपलोड की थी उससे आप कोऑर्डिनेट शो करा सकते हैं कि हमें जो है 10 मीटर पर चाहिए या 5 पर चाहिए या 20 पर चाहिए। इस तरह आप आसानी से, अगर आपके पास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के भी आपने कोऑर्डिनेट निकाले हों तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि क्या करना है कि कोई भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट के आपने कोऑर्डिनेट निकाले हों, अगर आपके पास 0 और एंड का पॉइंट दे देते हैं तो आपने क्या करना है, आपके पास लिस्ट होना चाहिए, उसके बाद
आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी लाइन थी। अगर इसमें टिलट भी होते तो आप फिर भी इस तरीके से आप निकाल सकते थे, यानी अगर आप फर्ज करें इसमें टिलट भी होते तो आप यही तरीके से आप अपना जो है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे कि क्या करना था आपने। सबसे आपके पास लिस्ट होना भी जरूरी है, उसके बाद मैयर की कमांड से आप जितने जितने पॉइंट के आपको यानी डिस्टेंस की कोऑर्डिनेट चाहिए आप उसके पॉइंट इस तरह आ जाने थे। फिर आपने जहां पर आपको चाहिए उसके आप जो फर्ज करें फर्ज हमें इसका चाहिए तो हम इसके भी क्या देखो हर यानी कि जिस पॉइंट के आपको चाहिए एंटर करते जाएं और ये आपके पास सामने होते जाएंगे, कोऑर्डिनेट आते जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट के जो है कोऑर्डिनेट निकाल ले हूं आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो दायरे वगैरह लगे हैं हम इसको यानी आप कहते हैं कि ये देखना नहीं चाहते, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि आप सिलेक्ट करें और डेल का बटन दबाएं, डिलीट इसको डिलीट भी कर सकते हैं कोई भी आपके पास पॉइंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आपके आ गए हैं। अभी इसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एक एक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं, यानी जितने भी आपके दायरे लगे हैं। आप इसको फर्ज करें आप कहते हैं कि अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट तो इसके आ गए हैं लेकिन इसके जो दायरे वगैरह इस तरह पॉइंट शो हो रहे हैं इसको हम जो है इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसके बाद इसको डिलीट कर दें इस तरह, यानी कि आप जो आपको ये देखने से भी अच्छा लगेगा, यानी इस तरह आप जो है किसी भी कोऑर्डिनेट निकाल लें, किसी आपके पास बड़ी लाइन दी जाती है तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो इस तरीके से आप उसको आपको चाहिए नज़दीक नज़दीक डिस्टेंस पर चाहिए 5 मीटर पर 20 मीटर पर तो आप आसानी से इस तरह से तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।